अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार भैया बताएं क्या नाम है आपका और क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ। मेरा नाम बलराम नाथ है, मैं बरखेड़ा कायम जिला देवास का रहने वाला हूं। मेरे गांव बरखेड़ा कायम से मेरी पत्नी के साथ मैं कल एक वो कोड में गया था। कोड के वहां पर मैंने गाड़ी बाहर खड़ी, ब्रिज के नीचे कार खड़ी करी थी मेरी। उस कार के अंदर मेरा 3,05,000 रुपये थे, 1,000 रुपये मैंने निकाल के 3,04,000 रुपये केस रखा हुआ था। मेरी जय माँ चामुंडा ट्रेडर्स के मेरे ओरिजिनल बिल, लेखा जोखा, मेरी जितना भी पेपर थे वो सारे ओरिजिनल पेपर उसमें रखे हुए थे। वकील साहब अभिमन्यु जी ने मेरे को बोला कि आप स्टाम्प लेकर आ जाओ। मैं स्टाम्प लेने के लिए तहसील आया ऑटो से, और स्टाम्प लेने के बाद जब मैं मेरी गाड़ी के पास उतरा और मैंने देखा कि मेरा कांच फूटा हुआ था, तो फिर वहाँ मैंने बास में वहाँ कोर्ट में कोर्ट के समक्ष गार्ड से पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो वहाँ सेंट्रल थाने चले जाओ। तो मैं सेंट्रल कोतवाली वहाँ पर गया, वहाँ से पुलिस के जवान आए थे, फिर उन्होंने बोला कि कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज होगी, उनका एरिया लगता है। किस चीज़ का पेमेंट था आपका और कहाँ लेकर जा रहे थे आप? मेरे को किसान को पेमेंट देना था, एक कछालिया से विष्णु पटेल जी, 1,00,000 रुपये उनको डालना था मेरे को। उसके बाद में लक्ष्मण खेड़ी मेरे भैया को पेमेंट देना था मेरे को, और जिससे मेरा एग्रीमेंट था उनको पेमेंट देना था मेरे को। घटना के वक्त कौन कौन थे आप साथ में? नहीं, घटना के वक्त तो स्पॉट पे तो कोई भी नहीं था, हम पति पत्नी तो वकील साहब के पास बैठे हुए थे अभिमन्यु जी के। ऐसा लग रहा था आपको कोई ट्रैक कर रहा है आपको? नहीं, मुझे ऐसा किसी से कुछ भी नहीं लग रहा था कि मेरे को कोई ट्रैक कर रहा है, और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। मैं तो अपने हिसाब से अपना बैग हमेशा की तरह व्यापार की तरह गाड़ी में रखता हूँ, इसी रख के मैं चला गया था वहाँ से। आप किस तरह की शिकायत की आपने? शिकायत यही की है सर कि अगर मेरा बैग और अगर मेरा लेखा जोखा, मेरे पेपर जय माँ चामुंडा ट्रेडर्स के नहीं मिलते हैं, तो 20-25 लाख रुपए लेना है मेरी उधारी, आलू प्याज का व्यापार है, वो सब नहीं मिलेगा तो मुझे आत्महत्या करना पड़ेगी। क्या नाम है आपका? बलराम नाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? बरखेड़ा कायम जिला देवास का रहने वाला। बात करके व्यक्ति है जो बरखेड़ा के निवासी है, इनका इंदौर के एक व्यक्ति के साथ फ्लैट का लेन देन को था, जिसकी लिखा पढ़ी करने के बाद वो कोर्ट जिला परिषद जिला न्यायालय कोर्ट में आए थे, जिसके लिए उन्होंने बताया कि कुछ कैश लेके आए थे, कैश उनकी गाड़ी में रखा था और वो
जब हमें कैश आपके न्यायालय में जाकर लिखा पढ़ी करवा रहे थे, जब वो दो घंटे बाद आए जाके देखा तो उनकी गाड़ी का कांच फूटा हुआ था और गाड़ी के कांच फूट कर गाड़ी में रखा पैसे का जो बैग था वो गायब था। सर चूँकि अमाउंट कितना होगा तभी? अभी उनने कंफर्म नहीं किया है कितना अमाउंट था, वो लगभग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास वो लेके आए थे। जैसा कि जिस व्यक्ति से उनका सौदा था उसने भी बताया था कि 2-2.5 लाख रुपये उन्हें देना था। सर आपके द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए आसपास के? हाँ, वहाँ पर जो मारुति का एक वर्कशॉप था AU बैंक है वहाँ पर, और उसके सामने कन्यालय पर से आसपास सभी जगह हमने देखे, क्योंकि जहाँ तक में रखी थी वहाँ तक कोई भी कैमरा फोकस नहीं कर पा, फिर आगे पिछले कैमरे देख रहे हैं। कोई सस्पेक्ट इसमें मिला है अभी या फिर ऐसा कुछ नहीं? पूर्व की घटनाएं भी हुई हैं, तो इस तरह की कोई बाहरी गैंग आती है जो त्योहारों के समय में और इस तरह की घटनाएं करती हैं, जो हम और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जांच कर रहे हैं।